किसानों की तरफ से 3 दिन के टोल प्लाजा बंद का आह्वान किया गया है। आज करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने पहुंचकर टोल प्लाजा बंद करवा दिया। किसान धरने पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि आगे भी टोल प्लाजा बंद करने के लिए यहां डटे रहेंगे। कोई चंडीगढ़ से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, हर जगह से किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज किसानों की तरफ से 3 दिन के लिए बंद का आह्वान किया गया है। इसी तरह करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने पहुंचकर टोल बंद करवा दिया। जी, हम राजस्थान से हैं और हम किसान कौम से हैं, और मैं इन बुलावने पाखंडी लोगों को जो सत्ता पे बैठे हैं, इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये मेहनत कश कौम है, पूरे हिंदुस्तान की जो किसान कौम है, वो सारी यूनाइट हो चुकी है आज, और धीरे धीरे जिन लोगों को इन्होंने अपने पाखंड के जाल में फंसा लिया है वोट बैंक के चक्कर में, हम उनको भी पूरे इंडिया में घूम के चाहे 10 दिन लगे, हम उन सबको यूनाइट करने में लगे हैं और हम इनकी जड़ें उखाड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए लोगों के नामकरण करते हैं। ये सिर्फ सत्ता ही इनका मेन मकसद है, उसके लिए इनका नामकरण, जैसे ये लोगों के नाम रखते हैं हमेशा से, वैसे ही ये खालिस्तानी पाकिस्तानी इस तरीके के नामकरण करते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। अरे, लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कैसे कह सकते हो? टोल फ्री करा दिए गए, क्या कहना चाहिए? इसके लिए बहुत अच्छी बात है, और हमें पूरे पीछे भी टोल हमें फ्री मिले हैं और हम बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे टोल मुक्त हो गए हैं। लेकिन मैं इन किसानों के संघर्ष को बहुत लंबा बढ़ाना चाहता हूं कि ये जब तक मांगे नहीं मानेंगे, पूरे इंडिया से लोग दिल्ली आएंगे, और उसके लिए हमने पूरे इंडिया घूम रहे हैं। दिल्ली शामिल होने जा रहे हैं? हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन हम राजस्थान से चले हैं और पूरे इंडिया के अंदर जाएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम विनय चौधरी है और हम राजस्थान के दुल्हन है, और ये हमारे हक और सच की लड़ाई है। हम लोग अपना ड्यूटी छोड़ के हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं, हमारे किसान भाई, हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए, इतनी ठंड में बैठे हुए, हमारे लिए बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो हमारे लिए बैठे हैं तो हम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं। तो आज हम दिल्ली जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर जाएंगे, और अपना जो योगदान है, जो थोड़ा बहुत योगदान है, वो डालेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या लगता है सरकार पर दबाव पड़ेगा? मैं पटियाला से आई हूँ, हमारा मतलब चेन ऑफ स्कूल है, मैं उनकी प्रिंसिपल हूँ, अपने स्कूल को प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा सारा स्टाफ आया हुआ है, हम सारे किसान हैं। चलो, हम लोग जॉब में आ गए, पढ़ लिख के अलग चीज़ है, लेकिन हमारी ज़मीन आज भी हमारी माँ है, और ये मोदी को झुकना ही पड़ेगा। आपका नाम? क्योंकि मेरा नाम है रुपिंदर ढिल्लन, मैं अपोलो पब्लिक स्कूल पटियाला से हूँ। ये टोल फ्री कराए हैं, ये कराए हैं वैसे 3 दिन के लिए, पर ये तब तक बंद रहेगा जब तक हमारा मुद्दा क्लियर नहीं होता, ये कतीले कानून वापस नहीं होते। ये अब कानून नहीं खुलेगा, टोल ये अब टोल नहीं खुलेगा, 2 दिन के लिए सोच रहे हो या 3 दिन के, ये परमानेंट बंद है। तो क्या लगता है आपको, मानेगी? मानेगी मानेगी कहाँ जाएगी इसके बाद? बीजेपी जो है, मोदी जो है, एक डिक्टेटरशिप में आ रहा है, इसको इतना नहीं पता, अभी हमने बैठाया था और हम ही उतारेंगे इसको नीचे, इसको समझना चाहिए, और ये काले कानून वापस। पहले हमारी तरफ से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारा सबसे बड़ा योगदान है, हमारी धरती माँ है वो, और हम लोग उसके लिए लड़ने के लिए, हक के लिए आए हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोग उसके लिए खड़े हों, चाहे वो महिलाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारी तरफ से सभी को, हमारी तरफ से सभी का किसान आंदोलन में शामिल है। हमारा स्टूडेंट भी आया हुआ है, और हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, और स्टूडेंट्स का भी योगदान है। आपका नाम? मेरा नाम मनोरंजन है, और मैं पटियाला से बिलोंग करती हूं।